उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा नेता के खिलाफ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने भाजपा नेता को सीएए का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पीड़ित भाजपा नेता ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल मामला है जनपद के अमरोहा कोतवाली क्षेत्र का। यहां पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री के साथ एक व्यक्ति ने सीएए को लेकर मारपीट करनी शुरू कर दी और गाली गलौज की, विरोध करने पर पिटाई की और गला घोटने की कोशिश भी की। भाजपा नेता की शिकायत पर एनसीआर दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सैयद मुर्तजा आगा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। देर रात अपने दोस्त के घर गए थे, वहां पर कई लोग चाय पी रहे थे। इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून पर भी चर्चा हो रही थी। अधिकतर लोग सीएए के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसा देखकर भाजपा नेता लोगों के बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, तो दोस्त के यहाँ पर काम करने वाले नौकर उग्र हो गया। उसने भाजपा नेता के साथ गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। लात घूसों के साथ उन्हें बुरी तरह से पीटा और गला घोटने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी और भविष्य में इस कानून का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी दी। भाजपा नेता ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने भाजपा नेता को सीएससी में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा चुकी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। लोग जो है दोस्त साथ में बैठ गए और क्या कहते हैं सीए पे गुफ्तगू होने लगी, तो मैं उन्हें बता रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि कोई कानून नया आया हो, ये कानून पहले था, सिर्फ सरकार ने 11 साल की जगह इसका 6 साल कर दिया है। और इसमें जो मुस्लिम बहुल देश हैं हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ पर नागरिकता देने के लिए कम समय में उनको यहाँ पर नागरिकता मिल जाए, क्योंकि उनका वहाँ पर उत्पीड़न होता है। मैं उन्हें ये बात समझा रहा था और इतने में उसका नौकर जो है मेरे दोस्त का वो मुझसे अनबन करने लगा कि इसमें मुस्लिमों का नाम क्यों नहीं है। तो मैं समझाने लगा कि मुस्लिमों का वहाँ पर उत्पीड़न नहीं हो रहा है, उत्पीड़न जिनका हो रहा है उनके लिए नागरिकों उन नागरिकों का नाम इस बिल में है, बिल में है। इसमें उसने उससे बदतमीजी की, मेरे साथ हाथापाई की, तमाम मेरे गला घोटने के प्रयास किया, ये नाक पर चोटों के निशान है, चेहरे पर है, गले पर है, मेडिकल में इनकी पुष्टि हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं फ़ौरन मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था कि मैं पलट के कोई कार्रवाई करूं। मैं फ़ौरन गया कोतवाली, वहाँ पर मैंने कोतवाल महोदय रविंदर जी जो हैं उनसे मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने एनसीआर दर्ज की और मुझे मेडिकल के लिए भेज दिया। मेडिकल में इन चोटों की पुष्टि हो चुकी है। बस मैं अब यही चाहता हूँ, कोई मैं एक टीचर हूँ पेशे से और साथ में राजनीति भी कर रहा हूँ, कोई मैं साफ सुथरी राजनीति करता हूँ, मुझे कोई किसी से झगड़ा लड़ाई मारपीट आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा मेरे लिए। ना मैं ऐसे घर से हूँ, ना मैं किसी कोई उल्टे सीधे बयान देता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि किसी भी प्रकार की वो हिंसा किसी भी व्यक्ति से ज़िंदगी में ना कर पाए। ठीक। अमरोहा जनपद में एक टॉल ब्रिज है जो कि थाना रजबपुर में स्थित है। वर्तमान समय में जो गतिविधियां चल रही हैं इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए ये अभियान चलाया गया था, ताकि हमारे आगामी जो भी अवसर हैं, जो नमाज वगैरह है शुक्रवार की, वो शांतिपूर्ण ढंग से बीत जाए, इसी के लिए चेकिंग हो रही थी। हम लोग सतर्क हैं और लगातार चेकिंग कर रहे हैं, कोई भी बाहरी तत्व यहाँ ज़िले में ना आने पाए, इसी को लेके हम बसों की भी चेकिंग कर रहे थे कि कोई बाहरी व्यक्ति अमरोहा जनपद में प्रवेश न करने पाए। इसके अलावा कोई अपील करना चाहेंगे जो कल नमाज़? हम सभी जो भी मुस्लिम भाई हैं और समाज के ऐसे लोग हैं जो कि गुमराह हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि सीए और इसके संबंध में गलतफहमी के शिकार ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये मारपीट का मामला सामने आया है, ये अमरोहा जनपद के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक रजा नामक व्यक्ति का
गुड्डू नामक व्यक्ति से विवाद हो गया है, जिसमें अपराध पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। सर, जो पिटने वाला युवक है वो भाजपा नेता है, मुर्तजा का नाम बताया जा रहा है उसका। अभी संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि वो किस पार्टी का नेता है। हाँ, दो व्यक्तियों में मारपीट हुई है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। किस बात को लेकर मारपीट? अब ये विवेचना का विषय है। अभी जो तहरीर आई है उसमें मारपीट का ही जिक्र है। NRC और CA से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। अभी इस संबंध में तहरीर में कोई जिक्र नहीं है अभी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।